हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है कॉमर्स किचन में। और आज हम जो बनाने वाले हैं घर की बची कुछ चीजों से एक डिलीशियस सा नाश्ता, और जिसे बनाने के लिए चाहिए हमें। आज हम बना रहे हैं घर में बचे कुछ सामानों से एक डिलीशियस सा नाश्ता, जिसे आप और आपके घर के फैमिली के सारी मेंबर खा के खुश हो जाएंगे। जिसके लिए चाहिए मुझे ये 4 बॉयल आलू। कई बार अपने घर मेहमान आते हैं, बहुत सारी रोटियां बच जाती हैं, हम सोचते हैं उनका क्या करें, तो आज हम बनाएंगे बचे हुई रोटियों से टाको। ये देखिए, मैंने ये 4 आलू है जिसे बॉईल करके रखा है। ये मेरा एक ओनियन है, एक गाजर, एक शिमला मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च। आपके घर पे जो भी सब्जियां रखी हैं आप उसे ऐड कर सकते हैं, ना हो सब्जी तो टमाटर प्याज भी सिर्फ डाल के बना सकते हैं। इन सब चीज़ों को मुझे आलू में मिक्स कर देना है। मैंने एक पैन लिया है जिसमें मात्र मैंने 1 चम्मच तेल डालना है। उसमें मैं सरसों और जीरा दोनों डाल दूंगी, क्योंकि इस मसाले को हमें फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा इसका तड़का हमें डालना है। ये देखिए, मेरा जीरा और राई अच्छे से फूट चुकी है। ये देखिए, जिसमें मैंने आलू और सारे वेजिटेबल्स डाले थे उसमें हम ये तड़का भी डाल देंगे ताकि अच्छी सी एक खुशबू आ जाए। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा चाट मसाला इसे टैंगी फ्लेवर देने के लिए, और 1 पिंच के बराबर हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, और नमक तो हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे, क्योंकि सारी चटनियों में भी नमक रहेगा, सेव में भी रहता है। अब इन चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि जो हमारे घोल में गुठलियाँ एक भी ना रह जाए। ये देखिए, सारा हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। कि जो हमारा आलू का घोल है उसमें से हमें छोटे छोटे आलू के पीस जैसे लेके और इसे ट्राइंगल शेप दीजिएगा। ट्राइंगल शेप देने के लिए पहले एक साइड फ्लैट करके और कोने से हमें ऐसा शेप बना देना है ताकि वो ट्राइंगल दिखे। आप देख सकते हैं इजिली बन जाता है हमारा ट्राइंगल। ऐसे करके मुझे सारे आलू से बना डालने हैं। यदि आपके घर में रोटियां बच जाती हैं तो उससे बची हुई रोटियों से मैं आपको आज टाको बनाना सिखाती हूँ। ये देखिए, मेरी 4 बची हुई रोटियां हैं जिससे मैं आज टाको बनाना सिखाऊंगी। आपके घर पे भी यदि बची हुई रोटियां हैं तो आप टाको बना सकते हैं, और यदि नहीं बची हुई रोटियां हैं तो आप ताजी रोटियों से भी बना सकते हैं। आज मैं आपको एक एक रोटी में कैसे करना है वो आपको बता रही हूँ। एक रोटी है जिसे हमें एक प्लेट पे फैला देना है, और उसके ऊपर ये हमारी हरी चटनी है, ये धनिया पत्ती वाली हरी चटनी है, इसे हमें अच्छे से एक लेयर लगा देनी है ताकि सारी सी रोटी हमारी स्पाइसी भी हो जाए और चटनी की वजह से रोटी में अच्छा सा मॉइस्चर आ जाएगा, तो रोटी और भी अच्छी नरम भी हो जाएगी और उसका मॉइस्चर भी आ जाएगा। इसी तरह हमें पूरी रोटियों में हरी चटनी लगा डालनी। अब से आपको रात की रोटी बची फेंकने की जरूरत नहीं, चाहे मेहमान है, मेहमानों को उन्हीं रोटियों को नया डिश बना के आप खिला सकते हैं। आपका नुकसान भी नहीं होगा और बच्चे भी खुश, हम भी खुश। जब चाहें ऐसा नाश्ता बनाइए, दिन में बचिए तो शाम के नाश्ते में आप बनाइए, रात की बचिए तो ब्रेकफास्ट में बनाइए। और इसके ऊपर हम ये केचप डाल देंगे। केचप और चटनी डालने का एक ही मकसद रहता है कि हमारी रोटी थोड़ी सूख जाती है रात की रहने की वजह से, और इसे हम मॉइस्चर दे देंगे तो हमारी रोटी नरम और अच्छी सी हो जाएगी, ताज़ी सी लगेगी। इसे अभी बैक करेंगे तो क्रिस्पी भी हो जाएगी। आप देख सकते हैं, मैंने दोनों तरफ हरी चटनियाँ लगाने के बाद हमें ये ट्राइंगल शेप में कोना हमें अंदर की तरफ करना है। ऐसे करके रखेंगे तो आलू देखिए बराबर आ रहा है, और एक हम दोनों साइड से हमें ये रख देना है। आपने देखा, मैंने रख दिया। अब हमें ये फोल्ड कर देना है। इसके ऊपर हमें हरी चटनी और केचप दोनों फिर से लगा देने हैं। इसमें हल्की लेयर लगाइएगा, इसे इसलिए लगा रहे हैं ताकि कई बार फीका लगता है, और आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है तो इस वाली लेयर को आप स्किप कर सकते हैं, और इसे हम ऐसा पैक कर देंगे। और ऐसा पैक करने के बाद उंगली की सहायता से हमें अंदर आलू को फैला देना है। आपने इसे फैलाने के बाद हमें इस पर केचप लगानी है 1 चम्मच के सहारे से, हल्की सी लेयर। चम्मच से लगाइए या उंगली से लगाइए, जैसा आपको सही लगता है उसी हिसाब से आप लगा सकते हैं। हमें सारी रोटियां बना डालनी है। ये देखिए, मैं दूसरी रोटी पे भी सेम प्रोसीजर कर रही हूँ। पहले मैंने ग्रीन चटनी लगा दिया अच्छे से। देखिए, कई बार हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, हम लेट सोते हैं, सुबह हम उठ नहीं पाते हैं, बच्चों का स्कूल आजकल 6 बजे 7 बजे होता है, तो आप बची हुई रोटियों से, आपके पास ही आलू टिक्की नहीं है तो बची हुई सब्जियाँ हैं उसी। ये देखिए, मैंने दोनों टाको तैयार कर दिए। अब मैं इसमें भी उंगली के सहारे से आलू को फैला दिया है, और ऊपर से मुझे केचप लगा के इन्हें बैक कर देना है। चारों टाको बना के तैयार कर दिए, आइए इन्हें बैक करते हैं। ये देखिए, मैंने एक पैन रखा है जिसमें थोड़ा सा मैंने तेल लगाया है, उसमें हम एक एक करके टाको रख देंगे।
और इन्हें धीरे धीरे बैक करना है हल्का क्रिस्पी होने तक। इसे हाथ से ऐसे प्रेस करिएगा स्पैचुला के सहारे से और इसे हल्का हल्का हमें बीच बीच में पलटाते रहना है। ये देखिए क्रिस्पी होना शुरू हो गया है, कहीं ज़्यादा क्रिस्पी ना हो जाए, इसे जल्दी जल्दी पलटाते रहिएगा। इसे क्रिस्पी करना है और जलने से बचाना भी है। इसमें तेल ज़्यादा नहीं लगेगा, मात्र नॉन स्टिक पैन है तो बिल्कुल आधे चम्मच तेल से आपके अच्छे से ये बैक हो जाएंगे। ये मेरे दोनों टाको अच्छे से बैक हो चुके हैं। अब हम इसे एक एक करके निकालते जाना है कढ़ाई से। अब हम इसे पैन से निकालते जाएंगे और दूसरे दो टाको हमें बैक करने के लिए रख देना है। ये देखिए हम गर्म टाको की वजह से हमने इसे टिश्यू पेपर से इसे पकड़ लिया है और खाते समय बच्चों को ऐसा आप दे सकते हैं। अब हम इसके ऊपर हरी चटनी लगा देंगे, हल्की सी लेयर ही हमें लगाना है। उसके ऊपर हमें ये बारीक कटे हुए प्याज लगा देने हैं, उसके ऊपर हमें सेव लगा देना है और ये देखिए हमारा कितना सुंदर सा टाको बनके तैयार हो गया है। ये देखिए हमारे टाको बनके तैयार हो गए हैं। अब बची हुई रोटियों से देखिए कितना टेस्टी और डिलीशियस सा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। इसे आप अपने घर पे बनाइए, एक्सपीरियंस कोमल के साथ शेयर कीजिए। कोमल किचन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ।